भारत वर्सेस श्रीलंका के बीच खेला गया तीसरा वनडे मुकाबला, जहां पर भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज और गेंदबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, लेकिन वहीं श्रीलंका के तूफानी विस्फोटक शेरू ने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के गेंदबाज और बल्लेबाजों को ज़्यादा देर तक टिकने नहीं दिया। आखिरकार भारत वर्सेस श्रीलंका के बीच तीसरा वनडे मुकाबला खेला गया और आखिरकार तीसरा वनडे मुकाबला क्या भारतीय टीम जीती या फिर श्रीलंका की टीम ने जीता, सब कुछ आपको पूरा का पूरा लाइव हाईलाइट रोमांचक मुकाबला इस छोटी सी वीडियो में दिखाने वाले हैं। बस आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। चैनल पर अगर आप हमारी पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर देना। भारत वर्सेस श्रीलंका के बीच तीसरे वनडे मुकाबले का जब छाला गया तो टॉस की बाजी श्रीलंका के कप्तान ने जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। श्रीलंका के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए कूद पड़े। सबसे पहला ओवर लेकर के गए मोहम्मद सिराज। काफी तूफानी खतरनाक विस्फोटक गेंदबाज मोहम्मद सिराज के पहले ओवर की पहले ही बॉल पर श्रीलंका के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज ने तगड़ा शॉट खेलकर छक्का ठोक दिया। श्रीलंका की शुरुआत काफी ज्यादा बेहतर थी तो वहीं श्रीलंका के बल्लेबाज मैदान पर ताबड़तोड़ तरीके से डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। दूसरा ओवर लेकर के गए अक्षर पटेल। काफी तूफानी खतरनाक विस्फोटक गेंदबाज अक्षर पटेल ने 8 रन दे दिए तो वहीं तूफानी विस्फोटक गेंदबाज मोहम्मद सिराज तीसरा ओवर लेकर के फिर गए। मोहम्मद सिराज के तीसरे ओवर की चौथी बॉल पर एक तगड़ा शॉट खेल दिया और गगन चुम्बती छक्का ठोक दिया। श्रीलंका के बल्लेबाज मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। वहीं 11वें ओवर के 6 गेंदों पर लगातार 3 छक्के 3 चौके श्रीलंका के बल्लेबाज ने फिर ठोक दिए। तब वहीं 12वें ओवर की चौथी बॉल पर भारतीय टीम एक विकेट हासिल हुआ और हर्षदीप सिंह ने एक विकेट चटका दिया, जहां पर श्रीलंका के एक बल्लेबाज को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। लेकिन श्रीलंका के बल्लेबाज मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे, जो रुकने का और हटने का नाम नहीं ले रहे थे। भारतीय टीम काफी ज्यादा टेंशन में थी। जसप्रीत बुमराह जैसे तूफानी विस्फोटक गेंदबाज 20वां ओवर लेकर के गए तो जसप्रीत बुमराह ने एक साथ 2 विकेट चटका दिए। तो वहीं 25वां ओवर लेकर के गए घातक विस्फोटक गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने 2 विकेट चटका दिए। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरू ने ताबड़तोड़ तरीके से डटकर गेंदबाजी की, लेकिन वहीं पर श्रीलंका की टीम तूफानी विस्फोटक तरीके से मैदान पर आक्रमण विस्फोटक बल्लेबाजी कर रही थी। श्रीलंका की टीम ने तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के सामने घातक विस्फोटक तरीके से 248 रन ठोक दिए। 50वें ओवर तक जाते आते 6 विकेट के नुकसान पर श्रीलंका की टीम ने 248 रन ठोक दिए। भारतीय टीम को जीत के लिए 249 रनों की जरूरत थी। भारतीय टीम की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज शुभमन गिल और हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा ओपनिंग में बल्लेबाजी करने के लिए कूद पड़े। कप्तान रोहित शर्मा ने पहले एक ओवर में शानदार तरीके से एक कवर ड्राइव चौका और एक आसमानी गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा की शुरुआत काफी ज्यादा बेहतर थी, लेकिन उसके बाद सुमन गिल ने दूसरे ओवर की 6 गेंदों पर सिर्फ 2 रन बना पाए। सुमन गिल पूरी तरीके से फ्लॉप नजर आ रहे थे। सुमन गिल ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए दूसरे ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके शानदार तरीके से ठोके तो सुमन गिल को सिर्फ 8 रन मिले। तो वहीं तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज चौथे ओवर की 6 गेंदों पर 2 कवर ड्राइव चौके और 2 आसमानी गगनचुंबी छक्के हेडमैन कप्तान रोहित शर्मा ने ठोक दिए। श्रीलंका के गेंदबाज और कप्तान काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज हेडमैन कप्तान रोहित शर्मा तूफानी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। रोहित शर्मा का बल्ला तो मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से गरज रहा था, लेकिन सुमन गिल जो है पूरी तरीके से फ्लॉप नजर आ रहे थे। 8वें ओवर की 6 गेंदों पर सुमन गिल ने सिर्फ 2 रन बना पाए। सुमन गिल घातक विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 9वें ओवर की चौथी बॉल पर सुमन गिल यहां पर 31 रन ठोक करके आउट हो गए, जहां पर भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लगा। सुमन गिल के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए टीम इंडिया के रेड कैडी विराट कोहली रोहित शर्मा का साथ देने के लिए आए। विराट कोहली ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए बेहतरीन तरीके से ताबड़तोड़ अंदाज में श्रीलंका के गेंदबाजों की परखच्चे उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। विराट कोहली ने यहां पर 15वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 छक्के और 2 चौके ठोक दिए। विराट कोहली और हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा दोनों बल्लेबाज एक दूसरे की मदद से काफी तूफानी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी करने लगे और श्रीलंका के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे। विराट कोहली का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। विराट कोहली को रोकने के लिए हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा को रोकने के लिए श्रीलंका के गेंदबाज और कप्तान एडी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे। विराट कोहली ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में 18वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 3 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। तो वहीं भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा को लेकर के भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लग गया। जब रोहित शर्मा तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन रोहित शर्मा जब आउट हुए तो मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए श्रेयस अय्यर आए।
काफी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज श्रेयस अय्यर पहले और दूसरे वनडे मुकाबले फ्लॉप रहे थे। तीसरे वनडे मुकाबले में श्रेयस अय्यर पर भारतीय टीम को काफी ज्यादा भरोसा था। श्रेयस अय्यर ने यहां पर 19वें ओवर की 6 गेंदों पर शानदार तरीके से 2 चौके ठोक दिए और काफी बेहतरीन तरीके से शुरुआत की। तो वही 20वें ओवर की 6ठी बॉल पर विराट कोहली को लेकर के भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लग गया। जब विराट कोहली आउट हुए तो मैदान पर श्रेयस अय्यर का साथ देने के लिए शिवम दुबे आए। शिवम दुबे और श्रेयस अय्यर ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल जब आउट हुए तो टीम इंडिया की जिम्मेदारी जो है वो शिवम दुबे और श्रेयस अय्यर के कंधों पर आ पाई। लेकिन श्रेयस अय्यर के कंधों पर और शिवम दुबे के कंधों पर जिम्मेदारी तो आई, लेकिन उस जिम्मेदारी को निभा नहीं पाए। श्रेयस अय्यर मात्र, आप सभी को बता दें, 6 रन बना करके आउट हो गए। तो वहीं शिवम दुबे यहां पर 19 रन ठोक करके आउट हो गए। भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज जब पूरी तरीके से फ्लॉप रहे तो भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लगा। अक्षर पटेल 16 रन बना करके आउट हो गए। घातक विस्फोटक बल्लेबाज और गेंदबाज जसप्रीत बुमराह 3 रन बना करके आउट हो गए। मोहम्मद सिराज 6 रन बना करके आउट हो गए। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज पूरी तरीके से फ्लॉप नजर आए। श्रेयस अय्यर और शिवम दुबे काफी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर सकते थे, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज जब पूरी तरीके से फ्लॉप रहे तो गौतम गंभीर के आंख से आंसू छलक आए। और तीसरे वनडे मुकाबले में श्रीलंका ने 27 साल बाद सीरीज अपने नाम की। 27 सालों में एक बार भी सीरीज अपने नाम नहीं की थी, लेकिन इस बार भारतीय टीम को हरा करके सीरीज अपने नाम कर ली। यहां पर भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लगा और भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा।